रहमतुल्लाह बरकातु। तो जो कल मैंने वीडियो बनाया था आफरीन के लिए, तो उसको बनाने के लिए आफरीन ने मुझे पैसा दिया था। जी हाँ, और कुलसुम नायक के सपोर्ट में भी बोलने के लिए कुलसुम नायक ने भी पैसा दिया था मुझे, और पैसा जो है डायरेक्ट मेरे बैंक पे आया। ठीक है, ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीचे लोग होते हैं। मैंने कल अपने वीडियो में ही जो है शुरुआती में ही क्लियर कर दिया था कि ये जो वीडियो है मेरा, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं ले रही हूँ। ठीक है, जहाँ पे आफरीन की गलती थी, मैंने लगातार 2-3 वीडियो बनाया आफरीन की गलती बताया, जहाँ पे कुलसुम आंटी की गलती थी, या फिर आफरीन एक बेटी के तौर पे उसको क्या क्या फीलिंग्स रही होंगी, मैंने वो डिस्क्राइब किया। यहाँ पे मैं कमेंट लगा दे रही हूँ, आप लोग देख लो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आफरीन ने मुझे पैसे दिए हैं इसके सपोर्ट में बात करने के लिए, तो फिर इसका मतलब ये है कि कुलसुम आंटी के सपोर्ट पे भी मैंने 3 वीडियो बनाया है, एक एक खोखा करके, तो एक बेटी तो आया ही होगा मेरे घर में कि नहीं। और मैं, हम जैसे यूट्यूबरों को ना किसी के सपोर्ट में बोलने के लिए बहुत पैसा मिलता है, और हम अभी सोच रहे हैं लाजो हो, मैं हूँ, हिमाचली हो, हम लोग जो है ना बांद्रा के ना सी व्यू में जाके फ्लैट खरीदेंगे, सब एक साथ खरीदेंगे, क्योंकि हमको बहुत पैसा मिल गया है सपोर्ट में, लोगों के सपोर्ट में और लोगों के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए। तो अभी हम मुंबई में फ्लैट खरीदने वाले हैं, समंदर के जो फेसिंग में, और एक लग्जरियस फ्लैट होगा 3 BHK का, और साथ में एक रेंज रोवर या फिर BMW होगा। तुम लोग कितने नीच हो ना रे, मतलब क्या बोलूँ मैं कि मैंने, देखो कल मैंने ये भी क्लियर किया कि आफरीन की भी गलती है कि उसने अपनी माँ का दिल दुखाया। मैंने बैक टू बैक 3 वीडियो बनाया आफरीन की गलती जो है मैंने बताने के लिए, ठीक है, कुलसुम आंटी के सपोर्ट में बनाया। और जहाँ पे मुझे कुलसुम आंटी की गलती दिखी, क्योंकि मैं 2 दिन से लगातार देख रही थी उस बच्ची को लोग बद्दुआ दे रहे थे, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया कि भाई तुम लोग कौन होते हो बद्दुआ देने वाले। आफरीन ने अगर गलती की अपने माँ के साथ किया, आफरीन ने अगर दिल दुखाया तो भी अपने माँ के लिए ही दिल दुखाया, तो फिर तुम लोग कौन होते हो बद्दुआ देने के लिए। उसकी माँ ने अगर दिया है तो वो गुस्से में दिया होगा, कोई भी माँ दिल से अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देती, बुरा नहीं चाहती। हालांकि ऑलरेडी कुलसुम आंटी ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि अगर मेरे बेटे का बाल बांका हुआ तो तुम लोगों को पुलिस स्टेशन तक खींचूंगी, और मैंने अपने वीडियो में ये चीज़ क्लियर भी किया था कि अगर आफरीन को कुछ भी होता है तो सबसे पहले नंगे पाँव कुलसुम आंटी ही भागेंगे आफरीन के लिए। लेकिन जो लोग उसको बद्दुआ दे रहे थे और गलत गलत बोल रहे थे, उस बच्ची ने अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू किया है, उसको थोड़ा सुकून से जीने दो। वो बच्ची पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों से डील कर रही है, कुलसुम आंटी के लिए भी बुरा लग रहा है, लेकिन कुलसुम आंटी बड़ी है, उन्होंने दुनिया देखी है, काफ़ी सारी बुरे वक्त से डील किया है, तो वो डील कर सकती है। वो बच्ची कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए और ना कोई ऐसा कोई कदम उठा ले जिसके वजह से कुलसुम आंटी को और सबको जो है ना पछताना पड़े। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने वीडियो के थ्रू अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और अगर कुलसुम नायक जी मेरी वीडियो देख रही है तो उनको शायद समझ में आए, करके मैंने वीडियो बनाया। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं, इतने नीच लोग हैं, जैसे कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने देखा एक बैंकर बोल के है, वो आके बोल रही थी इसको जो है आफरीन ने पैसा दिया। वाह, तुम लोग की सोच जो है ना, ये जैसे कुछ कुछ लोग हैं जो अपने आईडी में बैंकर लिखते हैं, फिर ऑफिसर लिखते हैं, फिर लॉयर लिखते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा नीच लोग होते हैं। शो ऑफ तक या जो सोच होती है ना उनकी घटिया होती है, और मतलब कि हम कमेंट करेंगे तो अपना औहदा जो है वो लोगों को दिखेगा कि वो आया मैं बैंकर, वो आया मैं लॉयर है फलाना टाइप का। तो वो जो शो ऑफ की दुकान वाली, ये नीच लोग ही होते हैं। और तुम लोगों के जो है ना सोच से ना मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने चैनल पर अपनी ओपिनियन रखने आई हूँ, तुम लोगों के ओपिनियन नहीं। अब जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया में हूँ तो 90% लोग अगर मोहब्बत करेंगे तो 10% लोग जो है वो हसद दिखाएंगे, जलन दिखाएंगे, बुरा बोलेंगे। अरे शाहरुख खान सलमान खान को बोलते तो हम क्या चीज़ है, हमको तो बोलेंगे ही। तो भाई शाहरुख खान और सलमान खान जैसे लोग अगर रिएक्ट नहीं करते घंटों, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमको तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं वो लोग ना हमारे घर का राशन पानी दे रहे हैं और ना हमको पर्सनली जानते हैं, तो घंटों फर्क पड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन सोच की ना, तुम लोग की सोच की मैं दाद दूंगी कि तुम लोग कितने, तुम लोगों की जो परवरिश और सोच है ना, वो तुम लोग कुछ वर्ड्स जो लिखते हो ना कमेंट सेक्शन में, इससे तुम लोग की परवरिश क्लास, जी हाँ क्लास भी आता है इसमें, क्योंकि लोगों के क्लास से ही लोगों का जो है ना क्या बोलते हैं, बात करने का तौर तरीका, उठने बैठने का तौर तरीका पता चलता है। सो तुम लोग कितने लो स्टैंडर्ड्स के लोग हो ना, ये समझ में आता है। एक इंसान, मैं यहाँ पर चैनल खोल के बैठूँ, तुम लोगों के जो है ना हिसाब से
रिएक्शन देना नहीं, ये मेरा चैनल है और मेरा ओपिनियन के हिसाब से ही मैं रिएक्शन दूंगी। तुम लोग अगर पसंद आता है तो देखो, नहीं पसंद आता है तो मत देखो, आई रियली डोंट केयर। और तुम लोग कमेंट करते हो तो यू मोस्ट वेलकम, तुम लोग ऐसे निगेटिव कमेंट्स कर सकते हो, बल्कि अच्छा है मेरे लिए कि मैं तुम लोग को अपने चैनल से हाइड कर सकती हूँ कि एक बार हकने के बाद दूसरी बार आके मेरे कमेंट सेक्शन में तुम लोग ना हक पाओ। तो जिन जिन लोगों को ये दिमाग में है ना ये सारी चीज़ें, अरे ये आज है कल तक उसके अरे खिलाफ़ बोल रही थी, आज उसके सपोर्ट में बोल रही है। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं बोल रही थी, जिसकी जो गलती है, जहाँ पे बेटी की गलती मुझे लगी वहाँ पे मैंने बेटी की गलती बताई, जहाँ पे मुझे माँ की गलती लगी कि एक माँ के तौर पे आपको सोशल मीडिया पे ऐसे बद्दुआ नहीं देना चाहिए था। इससे लोगों का बढ़ावा मिला और वो जो चंद लोग हैं जो अपने आपके बेटे को एक निवाला खाना तक आज तक नहीं खिलाया, वो भी जाके बद्दुआ दे रहे हैं, वो गलत किया आपने। मैंने माँ की गलती भी बताई, मैंने बेटी की गलती बताई। इसमें अगर मुझे पैसे देने की बात है तो भाई कुसुम नायक के सपोर्ट में मैंने बोला तो पैसे कमाए, तो भाई कुसुम नायक के खिलाफ जब मैंने बोला तो कुसुम नायक आके सोशल मीडिया में बोल सकती कि भाई इसको मैंने पैसे दिए थे मेरे खिलाफ बोलने के लिए, अब ये मेरे बेटी के पैसे खा के उसके सपोर्ट में बोल रही है कि नहीं है। तो तुम लोग जो है ना ये बैंकर लगाते हो, लॉयर लगाते हो, फलाना लगाते हो, ढिमका लगाते हो, तुम लोगों का जो नॉलेज है ना और सेंस जो है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर वो जीरो है। तुम लोग ऐसे ही लगाते हो, तुम लोग कोई पोस्ट पे नहीं हो, तुम लोग की बातों से पता चलता है। ठीक है, लॉजिक की बात है ना, जिस औरत से मैं पैसे खाऊंगी, जिस इंसान से मैं पैसे खाऊंगी, उस इंसान के मैं सपोर्ट में बोलूंगा, और अचानक से अगर उस इंसान के खिलाफ में बोलने लग गई तो वो इंसान तो आके सोशल मीडिया पे बोलेगा ही ना भाई, कोई ना कोई तो बोलेगा 1.5 साल से मैं सोशल मीडिया पे हूँ। तो तुम लोग की जो ये गंदी सोच है ना वो तुम लोग अपने तक ही रखो, या फिर मेरे जो कमेंट सेक्शन पे आके हकते हो ना, हक सकते हो, तुम लोग को पूरा राइट है हकने का, राइट टू पॉटी, लेकिन वो पॉटी भी मैं बहुत अच्छे से साफ करती हूँ कि तुम लोग एक बार हकने के बाद दोबारा हक ना पाओ। अब बात करूँ अगर मैं कुलसुम नायक और आफरीन के बारे में कि आप कौन होते हो बोलने वाले फलाने का, तो वो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया में उन्होंने अपनी पूरी पर्सनल लाइफ खोल के रखी है, और लोग अगर जानने को आएंगे, हमसे लोग सवाल करते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन पे आप लोग देखोगे तो आफरीन का क्या हुआ, आफरीन क्यों गायब है, आफरीन का व्लॉग नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा हमसे पूछेंगे तो हम तो बनाएंगे ना भाई। कोई अगर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना ही अगर चुप रहना पसंद करता है तो उसको अपना पर्सनल लाइफ दिखाना ही नहीं चाहिए। अब जैसे कि मैंने अपने पर्सनल लाइफ में जो जो इश्यूज हुए मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, उसमें बहुत लोगों ने आके कमेंट किया, ठीक है। अब मुझे उस कमेंट से मुझे नहीं लगता है कि मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने ही अपनी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है वो सोशल मीडिया में डाला। अब मैं बोलूँगी कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने वैसा, अरे भाई मैंने दिखाया है तभी तो लोग बोल रहे हैं, किसी को अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करेंगे, किसी को बुरा लगा तो बुरा कमेंट करेंगे। अगर नहीं दिखाती तो नहीं दिखा पाता। कोई आके बोल रही कि तुमको जो है कुलसुम नायक जो है अच्छे से जो है तुम्हारी बाजी बजाएंगे, क्योंकि मैं कहता क्या तबेला हूँ, क्या ढोल हो के कुलसुम नायक आके मुझे बजाएंगी, क्या मैं क्या बोले धोएंगी, क्या मैं इतनी गंदी हूँ क्या कुलसुम नायक आके मुझे धोएंगी, क्यों धोएंगी भाई उनको, क्या मैंने गाली गलौज करा कि उनको बुरा बोला, तो कितना जानती है कुलसुम नायक को जो तुम आके मुझे बोल रहे, तुझे क्या पता कि मैं कुलसुम नायक को जानती हूँ कि नहीं जानती हूँ। आके ऐसा वाहियात कमेंट करते हैं ना कुछ लोग, इतने नीच तरीके के लोग होते हैं ना, और अच्छा होता है ये कमेंट करते हैं, एटलीस्ट मुझे पता चलता है कि ये है और मैं उनको गायब कर पाती हूँ। अजान हो रही, मैं थोड़ी देर से बात, लोग जो है ना ये अपने जो फालतू का उसको उसका नाम लेके ये जो फालतू के कमेंट्स करते हो ना ये करना बंद कर दो, नहीं तो तुम लोग के कमेंट्स के स्क्रीनशॉट देके ना मैं कुलसुम नायक के पास मैं खुद फॉरवर्ड कर दूंगी, अगर किसी का इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते तो। इतना तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम किसी इंसान को कितना जानते कि नहीं जानते, कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास सोशल मीडिया में आने से पहले हम तक पहुँच जाता है कि नहीं है। तो इसके उसका नाम लेके जो तुम लोग ये वाहियात कमेंट करते हो ना कि कुलसुम नायक जो है बाजी तेरी बजाएंगी ऐसा वैसा, तो वही कुलसुम बाजी के पास था तुम लोगों के ना कमेंट्स पहुंचा दूंगी और उनसे पूछूंगी तुम ये करने वाले वो करने वाले ये तो बोल रही है कैसे जानती है, फिर जो है ना वही कुलसुम बाजी तुम्हारी बजाएंगी। ठीक है, अपने हद में रहो, लिमिट में रहो, जिस चीज़ के बारे में आइडिया ना हो उस चीज़ के बारे में ना फालतू बकवास करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं सुन के ले लूँगी, एक बार लूँगी, दो बार लूँगी, तीसरी बार मारूंगी ज़रूर, मैं उनमें से हूँ। ठीक है कि मैं इग्नोर एक बार करती हूँ, दो बार करती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, सदा नहीं करती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं इग्नोर करना, क्योंकि मैं तुम लोग के बाप का या फिर तुम लोग का खाके नहीं बैठो, तुम लोग को सुनने के लिए, तुम लोग को पसंद है तो देखो, नहीं पसंद है तो मत देखो, अपना कमेंट करो, दूसरों का नाम लेके कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनका नाम लेके कमेंट करो ना उनके पास ही तुम्हारा कमेंट पहुँचा दूँगी मैं, ठीक है ना। कुलसुम नायक मेरी कितना बजाएंगी और मैं कुलसुम नायक के बारे में क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ वो हम देख लेंगे, कुलसुम नायक अगर मुझे बजाने भी आएगी तो मैं हूँ यहाँ पे बजने के लिए, और
वो अगर मुझे धोएगी भी तो मैं धुलवाने के लिए भी रेडी हूँ। तुम लोग जो है ना ये उसके उसके नाम लेके जो है ना ये फालतू की या धमकियाँ या बकवास करना बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि 1.5 साल से सोशल मीडिया में बहुत सारे पंगे मेरे जितने दोस्तों ने नहीं लिए ना, सबसे ज़्यादा पंगे मैंने ही लिए, हर किसी से मैंने लिए हैं। तो मुझे ना अपनी हद और किस चीज़ का रिएक्शन क्या होगा बहुत अच्छे से मालूम है। तुम लोग तो ना ही मुझे बताओ तो ही अच्छा होगा, और कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता है, किसके साथ मेरा क्या रिश्ता है वो भी तुम लोग नहीं जानते हो। तो बकवास के यहाँ पे आके मेरे ख्याल से यहाँ पे कमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मुझे आफरीन की गलती लगी मैंने वहाँ पे आफरीन की गलती बताई, हाँ जहाँ पे मुझे कुलसुम आंटी की गलती लगी वहाँ पे मैंने कुलसुम आंटी की गलती बताई कि तुमको ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी, गुस्सा है बेटी के ऊपर, दिल दुखा है, जो भी है, लेकिन दूसरों को मौका नहीं देना कि अपने बच्चे को जाके जो है बददुआएं दे, ठीक है? इसमें तुम लोगों की जो फालतू के टिप्पणी की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुलसुम आंटी अगर मुझे कोच बोलेगी तो मेरे नंबर सबके पास है, कुलसुम आंटी मुझे फ़ोन करके मैसेज के थ्रू भी बोल सकती है, ठीक है ना? तो ये फालतू के बकवास यहाँ पे कम करो कि आफरीन ने मुझे पैसा दिया। हाँ भाई आफरीन ने मुझे पैसा दिया, तेरे सपोर्ट में बुलवाना है एक पेटी भेज देना, मैं तेरे सपोर्ट में भी बोल दूंगी। तेरे को क्या, तेरे बाप का जा रहा है क्या? आफरीन ने मुझे उसके सपोर्ट में वीडियो बनाने के लिए पैसे दिए। हाँ तूने तो बहुत देखा था, वो पैसा तूने ही ला के दिया था है कि नहीं है? तूने ही ला के दिया था ना, या तेरे बाप के अकाउंट से डिडक्ट हुआ था? मैं उसी पैसों से जो अभी बंगलो खरीदने वाली हूँ, तेरे बाप का क्या जा रहा है? ये जो बकवास तुम लोग करते हो ना, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग बकवास करके बहुत कुछ, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी, मैं कल इसी टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाऊंगी। जा जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले, कुलसुम बाजी से मेरी बजवा के दिखा दे। जा कुलसुम आंटी को मेरे से कोई भी दिक्कत होगा या फिर मेरी बातों से कोई भी दिक्कत होगा, उनका चैनल है चाहे यूट्यूब हो इंस्टाग्राम हो, वो मुझे पर्सनली मैसेज करके या फिर कॉल करके बोल सकती है। तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। कुलसुम नायक जो है मेरी बजाएंगी कि मेरी जो इज्जत अफजाई करेंगी। तुम अपने लिमिट में रहो, नहीं तो तुम्हारे मैसेज का स्क्रीनशॉट उठा के मैं कुलसुम आंटी से जाके पूछूंगी कि क्या तुम ये करने वाली हो, मुझे ये बता रहा है। तो वो तुम्हारी बजा के छोड़ देगी क्योंकि तुम लोग उनका नाम लेके कमेंट कर रहे हैं कि नहीं है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यही पैन करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन अच्छा हो या बुरा दोनों भी दे सकते हो। अगर हक के रखोगे तो वो मैं एक बारी के लिए साफ़ कर दूँगी, दोबारा हकने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो उसमें भी आप अपना टिप्पणी जो है बिल्कुल दे सकते हो। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि वेदर ऐसा चल रहा है, हर जगह वायरल चल रहा है। मैंने अपनी मेरे फैमिली ब्लॉग्स मान ली, बोला इसमें ही बोल लूँ, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। दिवाली की साफ़ सफाई में इतना भी बिजी मत हो जाइए कि अपना तबीयत ख़राब कर लो, दिवाली ना एंजॉय कर सके। तो साफ़ सफाई भी कीजिए लेकिन अपने तबीयत का भी ध्यान दीजिए। अल्लाह हाफिज़।